दो के पॉप आइडल्स मिले हैं साथ में, हाँ, और वहाँ पे जो जो फेमस सेलिब्रिटी था ये वहाँ इकट्ठे बैठे हैं और पूरा फैशन शो भी होंगे, कुछ सीन्स भी हो सकते हैं, देखते हैं कैसा शो है। Let's go. Wait, I am first like to take Paris and moment to the shot. इसलिए बच गया तब पता ही था। बाकी की बारी सारी वहाँ जा रही है, अभी भी इधर बहुत हवा गाड़ी के बोले कितना क्रेज है बंदे का, कहाँ चढ़ा हुआ बिल्डिंग्स का जोन सा भी कोना मिला हो जा रहे हैं। अब आया भी कौन
शोज आप देख सकते हैं। मौके पे किसी को फोन खरीदना होगा वो खरीद लेंगे वीडियो बना लेंगे। एक साथ तीन स्टार्स खड़े हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में। टाइम का क्रेज ज़्यादा है। उधर 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 जाऊँ। कार हर टाइम जो है वो नोट कर रहा है कहीं पिक्चर चल वो भी कर रहा है। भाई ये क्या मैंने सबसे पास से तस्वीर हां वो देखो कैमरा में साथ है ना उनके साथ ही पिक्चर निकाल। भी वैसे फोटोजेनिक बहुत ज़्यादा है। कुछ लोगों ने तो ट्रैक इंस्टाग्राम से लिया। हाँ आप लोग मुझे देखो क्यों के लिए करवा रहे हो वॉक के लिए ऐसे क्यों अरे लाइट्स ना क्या एक्ट्रेस भी मौजूद है। मॉडल स्टोरी भी लगी हुई याद आया वहाँ पे देखी हुई इसमें स्टोरी भी वही तो वो है इसके नाम नीचे लिखा आया था। हाँ मैंने देखा नहीं एक्ट्रेस नहीं हाँ एक्टर है वो हॉलीवुड का एक्टर था। पार्टी में रहूँ हाँ आफ्टर शो पार्टी सबसे
पिक्चर आउट कर रहा हूँ लगाई थी लगाई थी मुझे पैसन एक ही साथ जाएगी अपना प्राइवेट ट्रेन शायद कठिन की वो ये कठी होगी क्योंकि इनको बुलाया गया ना बैक अगेन वी रहा सख्त लौंडा पूरे छोटे द्वारा आपने देखा नहीं पैरी मारी है देखा आपने बात ही मतलब क्या मतलब कि एक दफा भी हमने स्क्रीन इंटरेक्शन ही देखा लीसा को अभी यस और बाकी बात करते हुए भी कोई ऐसा शायद इस वीडियो में नहीं था लेकिन अंदर अंदर प्राइवेटली तो जब बैठे होंगे तो बात हो जाएगी कॉमन आपके एक दो आइडल्स हैं वो इतने बड़े आइडल्स हैं एक ही सिटी से एक ही जगह से वो आए हैं और एक दोनों का एक ही काम है लेकिन वी ने उनका दिल नहीं तोड़ा बालकनी में उनसे मिलने लाजमी आए उनको हाथ हिला के और उस टाइम पे आप देख सकते हैं कितने वार्म थे जब तीनों फ्रेंड्स इकट्ठे खड़े हुए थे यार अक्सर तो जंप मार के बस फोन गिराने वाले थे वो हमें भी नजर आया था लेकिन बच गया मतलब कि ना मतलब कि रैंप था ना कुछ था बट वी आर चीफ गेस आप कह सकते हैं और लीसा और इनको वहां के मॉडल्स वॉक और ड्रेसिंग वगैरह बाकी सब मॉडल्स ने इनके साथ तस्वीर खिंचवाई और पार्टी भी हुई है शो के बाद हुई है और आप देखा कितने कितने बड़े एक्टर्स आए हुए थे हॉलीवुड के बहुत बहुत बड़े एक्टर्स सब मतलब कि एक आई थिंक ये पूरा स्पेशली सब नीचे पास आ रहे हां ये फैशन शो था जो एक हेल्ड किया गया पेरिस में जहां हर सिलाइन वालों ने हर ब्रांड का एक एक बंदा है ये कहा जा सकता है कि रिसेंटली वर्ल्ड का हमने प्रियंका चोपड़ा के साथ भी कोलैबोरेशन किया था वो भी आई थिंक लीसा का देखा था मैं यही दिन थे लेकिन ये एक दिन ये पहले थे इधर ही बाकी मिले तो